चर्चा, बड़ी अहम बातचीत हो रही है। इसके बीच एक और यहाँ पर बड़ा अहम सवाल है कि एक तरफ यहाँ पर लोग कोरोना महामारी से ही जूझ रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, उस संकट से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में बिहार में अब ब्लैक फंगस की एंट्री भी हो गई है। ब्लैक फंगस की वजह से भी यहाँ पर अब लोगों के सामने कई परेशानियां आने वाली हैं, कई यहाँ पर 2-3 केसेस भी सामने आ चुके हैं, इससे किस तरीके से बचा जाए सर? देखिए, ब्लैक फंगस की अभी दवा भी अप्रूव हो चुकी है। ये ब्लैक फंगस अगर हो गया ना तो ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। आप ऐसे समझिए कि अगर 100 लोगों को ब्लैक फंगस होगा ना तो उसमें 50 लोगों को मरना फिक्स है, और अगर 100 लोगों को कोरोना हुआ तो 3 लोग मरेंगे, 97 बच के जाएंगे। तो एक हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ब्लैक फंगस में जो डेथ रेट है वो काफी ज्यादा है, तो अगर आप कोरोना से तुलना करें। लेकिन इसके डेथ रेट आप बढ़ सकते हैं जब आप नियर पता चलेगा तब। ये ब्लैक फंगस सबको नहीं होता है, फंगस बहुत ही कमजोर होते हैं, ये बैक्टीरिया वायरस की तरह खतरनाक नहीं होते, लेकिन ये कमजोर इंसान भी उस पर हावी हो जाता है जो जिसका बॉडी खुद से कमजोर हुआ। अब हमारी बॉडी कमजोर होने के 4-5 रास्ते, अगर हमें कोरोना हुआ है जस्ट, मतलब 1-2 हफ्ता हुआ कोरोना से ठीक हुए, तो हम लोग की बॉडी पहले से कमजोर है तो उनमें कोरोना ये ब्लैक फंगस का खतरा है। या फिर जिन्हें हाई एस्टेरॉइड दिया गया, हमारे बॉडी में जो एस्टेरॉइड दिया जा रहा है जिसे डेक्सामेथासोन हम कहते हैं, ये क्या करता है, ये हमारी जो बीमारी से लड़ने की क्षमता उसको कम कर देता है, उसको सरपास सप्रेस करके बैठा देता है, कहता है कि तुम शांति से रहो हम लड़ते हैं, तो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। लेकिन मजबूरी है, कोरोना में हाई पावर का हमको स्टेरॉइड, वो भी आईवी यानी इंटरवेंस में नस के थ्रू दिया जाता है, तो जिनमें ये हाईवी दिया गया है उनमें खतरा है। तो आपको भी पता है कि जिन्हें कोरोना है उन्हें कोई हाईवी स्टेरॉइड दिया गया है, तो ये जो दो बातें कहे हैं हम, ये एक्चुअली भी एक ही बात है। इसमें एक और बात देखिए, अगर कोई कोरोना में सीरियस है तो उसे ऑक्सीजन से दिया जाता है या वेंटिलेटर दिया जाता है, तो उसमें जो लिक्विड फ्लो कराया जाता है उसका टेम्परेचर कम रहता है, उसमें मॉइस्चराइजेशन ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से वहां फंगस लगने की संभावना ज्यादा रहती है। हमारे अगल बगल में बहुत सारे फंगस है, आप ब्रेड जो होता है, जो खाने वाला ब्रेड होता है, आप उसको 2 दिन तक मेज पे छोड़ के देखिए, पूरा फंगस छाप लेगा, लेकिन हमारी बॉडी पे नहीं छाप पाता है क्योंकि हमारा एंटीबॉडी उसको मार देता है। तो कोरोना में 3 खतरा हो जाता है, एक उसे उसकी कोरोना ने इम्यूनिटी कमजोर कर दी, दूसरा उसने स्टेरॉइड लेके अपनी इम्यूनिटी को खुद ही सप्रेस कर दिया, और वेंटिलेटर या ऑक्सीजन के ज्यादा यूज से इस पे खतरा हो जाता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके डायबिटीज शुगर बहुत हाई लेवल पर है उन्हें, या फिर जिनको इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है जैसे HIV वगैरह, जिनपे हाईली इम्यून सिस्टम कम है, तो ऐसे 6 लोग खतरे में आते हैं। इसकी पहचान सिंपल सी है कि यह शुरुआत नाक से ही होता है, क्योंकि नाक में ना नमी भी रहती है और नाक के अंदर लाइसोजाइन कम होता है, जिस वजह से वो कीटाणुओं को नहीं मार पाता है। मुंह में लाइसोजाइन होता है, जब तक हम जगे रहते हैं हमारे लार के अंदर लाइसोजाइन और टाइलिन ऐसे होते हैं जो हमारे कीटाणुओं को मार देते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर हम रात में कुछ भी ना खाएं और हम बेड पर सो जाते हैं तो सुबह उठते हैं तो मुंह गंदा हो जाता है, क्योंकि वो लार जो बन रहा था सलाइवा वो एंटीबैक्टीरियल होता है, वो उसे नहीं मार पाया, जबकि रात में हम कुछ नहीं खाए रहते फिर भी सो के उठते तो मुंह गंदा हो जाता है, तो वो नाक के रास्ते जाता है। इसकी पहली पहचान क्या होती है, नाक में हल्का धब्बा होने लगता है अंदर से जो दिखता नहीं, लेकिन नाक से हल्का पानी आता है, और उस पानी को अगर देखेंगे तो वो सर्दी की तरह नहीं रहता है, उसमें हल्का ब्राउन होता है, वो हल्का भूरा होता है, और यहाँ हल्का सा नाक के बगल में यहाँ पर हल्का सा दर्द होने लगता है, और आंख उसके बाद वो पहुंचता है आंख में, आंख हल्का लाल होगा, उसके बाद स्वेलिंग आएगी, जब स्वेलिंग आने लगी तो ये रिस्क हो जाता है। उससे बेटर है कि जो लोग इस चीज के शिकार है, कोरोना हुआ हो, वेंटिलेटर पे गए हो, स्टेरॉइड लगा हो, शुगर के हाई शुगर हो जिन्हें, या HIV जैसे हो, उनमें ये खतरा है, आम आदमी में नहीं है। उसी पहचान, अगर नाक ज्यादा निकल रहा है, पानी आ रहा है उसमें से ब्राउन कलर का, तो ब्लैक फंगस, इसकी दवा है। बट होता क्या है कि ये पहचान में कब आती है, जब स्वेलिंग होने लगता है, मुंह पे छाले पड़ने लगेंगे ब्राउन कलर के, या आंख खुलने लगे, तब तो वो बहुत लेट कंडीशन हो गया, फिर तब तो बहुत सीरियस हो जाएगा। तो कोशिश करना चाहिए जब नाक से फ्लूड आ रहा है तभी हम इसका जांच करा ले, और ये सबको नहीं कराने की जरूरत। हमने बताया ना कि 6-7 लोग हैं जिनको ये इस कैटेगरी में आते हैं, बस उन्हीं को दिक्कत है।